प्रशासन के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे विवेकानंद कॉलोनी, लोगों को दी कोरोना से बचने की सलाह। खबर शिवपुरी जिले के विवेकानंद कॉलोनी से आ रही है। यहां पर कलेक्टर अक्षय कुमार प्रशासन के साथ विवेकानंद कॉलोनी जा पहुंचे और फिर आपको बता दें कि कोरोना ने जोर पकड़ लिया है। लगातार यहां पर संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले रमन तिवारी के यहां सभी पॉजिटिव आए हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर आज यहां पर पहुंचे और लोगों को कोरोना से बचने की समझाइश दी। कलेक्टर अक्षय कुमार ने कहा कि ये इलाका पहले कोरोना के समय डेंजर जोन में था, स्थिति ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन की टीम यहाँ पर समझाइश देने आई है और समय रहते सावधानी बरतना शुरू कर दो, कोरोना को बढ़ने से रोको। इसके बाद कलेक्टर ने विवेकानंद कॉलोनी का निरीक्षण किया और प्रशासनिक टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विवेकानंद कॉलोनी में आना हुआ, कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है इस शहर में और ये पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि ये शहर बहुत ही हॉटस्पॉट रहा है और शुरुआती दौर में ही हम चाहते हैं कि उस पर इतनी कार्रवाई कर ली जाए कि जिनके घर में पॉजिटिव पेशेंट निकले वो हो जाए, सजग हो जाए और उनके आसपास के लोग भी सजग हो जाए और इस प्रकार से धीरे धीरे शहर सजग हो जाए। ये मत, और अगर निकलने की मजबूरी हो तो मास्क पहन के निकलें और जब वो लौटें तो हाथ को सैनिटाइज करें। एक और मैसेज ये है कि 15 से 18 साल तक के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है, आपका शहर अभी बहुत पीछे है उसमें, तो 15 से 18 साल तक के बच्चों को और 18 साल से ऊपर के जो लोग बचे रह गए दोनों डोज से, ठीक है, उनको ये करा लें।